गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं। इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फॉर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पैकेज पे जाके आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लास लोगे। क्लास लेने के बाद आप यहाँ पर लिख दो पैराम कंस्ट्रक्टर। और इस क्लास में आपने यहाँ मेन मेथड को चेक किया और देन आपने यहाँ इसे फिनिश किया। इसके बाद हम लोग यहाँ कोडिंग देखेंगे। जनरली में सम टाइम यूजर वांट्स टू एंटर और पास डेटा एट रन टाइम। इन दिस केस वी हैव टू यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। We can say constructor with parameters is known as parameterized constructor, right? अब इस प्रोग्राम में हमें करने के लिए क्या करना होगा, आप एक क्लास ले लो और क्लास का नाम हमने दे दिया यहाँ पे क्या, रेक्टेंगल। इस क्लास रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है, एक लेंथ वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और एक विड्थ वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप का। अब हमने क्या किया, यहां पे कंस्ट्रक्टर लिया रेक्टेंगल, बट हम इसे क्या बना रहे हैं यहां पे, इसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो आपने यहां पे क्या लिया, इंट लेंथ कॉमा इंट बी आर ई, और देन हमने यहां पे क्या किया, इस लेंथ की वैल्यू में एल ई एन की वैल्यू को असाइन कर दिया एंड ब्रिथ में हमने बी आर ई वैल्यू को असाइन कर दिया। इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइजेशन यहां पे हो गई। इसके बाद हमने एक मेथड बनाया void area और सेम यहाँ पे जैसे ये है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया int ar और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ar equals to length into width। ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। और फिर आपने एक फॉर्मूला लिखा void display एंड डिस्प्ले के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा और आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू और आपने यहाँ पे ar पास कर दिया। इनसाइड द मेन मेथड, हमने मेन मेथड में हमने क्या किया, हमने अपने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दी। आप इसकी वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हो, मैंने पास किया 10, 20 और फिर मैंने लिखा ओ एन डॉट, मैंने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसके डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। हम इस प्रोग्राम में वैल्यू यूजर से रन टाइम में नहीं ले रहे बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ऑटोमेटिकली होती है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब राइट क्लिक किया हमने यहाँ पे, रन एज में गए और हमने यहाँ पे इसे जावा एप्लीकेशन को रन किया। रन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 200।
एक और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने इसे क्लोज कर दिया और मैंने या क्लोज नहीं किया मैंने मान लीजिए और मैंने यहाँ पे हाँ इसे क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल ओ बी इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल ये आपको एरर दे रहा है, आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने नहीं दे रहा क्योंकि आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ऊपर डिफाइन ही नहीं किया है। लेकिन अदर प्रोग्राम में जब आप करते हो, आप जहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते और आप वहाँ पे इस तरह से यदि ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कंपाइलर आपको एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है, बट इस प्रोग्राम में चूँकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है इसीलिए आपको ये एरर दे रहा है। आपने ऊपर वाले कोड को हटा दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, फिर भी ये आपको एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह का कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया ही नहीं है, इसीलिए ये वाला लाइन लिखना सही नहीं है हमारे प्रोग्राम के लिए। अब ये वैल्यू आप यूजर से भी एंटर करवा सकते हो। यूजर से एंटर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस क्लास में या फिर हम ऐसा करते हैं इस मेन मेथड में ही हम एक वैल्यू ले लेते हैं len कॉमा br और देन हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सोर्स क्या है इसका सिस्टम डॉट IN। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा sysout enter length of rectangle और हमने यहाँ पे क्या किया len equals to obj dot next int। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे system.out.println enter width of rectangle और फिर हमने यहाँ पे क्या किया bre equals to object of scanner class और then next int method को हमने यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा len कॉमा bre। आप इस प्रोग्राम को आप यहाँ क्या देखोगे इस प्रोग्राम में कि हम यहाँ पे जो इनपुट है वो यूजर से रन टाइम पे ले रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि हम लोग प्रोग्राम राइटिंग के टाइम पे रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रिथ है वो नहीं जानते। यूजर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यूजर रन टाइम में एंटर करेगा और देन हमें उसका आउटपुट मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। बट यदि आप प्रोग्राम में ये हार्ड कोड कर देते हो लेंथ और ब्रिथ को तो आपका प्रोग्राम सिर्फ उस वैल्यू के लिए फिक्स हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वैल्यू रन टाइम में या डायनेमिक टाइम पे आप वैल्यू रिट्रीव करो। दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।